कैंसर के वैसे तो अनेकों रूप हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे जल्दी बच्चादानी कैंसर ठीक होता है। और इसका जो मुख्य लक्षण है, तेज़ी से पीरियड से पहले ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, बार बार ब्लीडिंग होती है, सफ़ेद पानी भी बढ़ जाता है और बच्चादानी में गांठें भी बन जाती हैं, शारीरिक कमज़ोरी भी बहुत आ जाती है। मेरे साथ एक माता जी हैं और शकुंतला नाम है इनका, इनको भी ये बच्चादानी कैंसर हुआ, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी, 2 महीने में ठीक भी हुआ और बाद में एक टेस्ट के कारण दोबारा से समस्या हुई और फिर भी तीसरी बार भी ठीक हुआ। वीडियो बनाने का एक मात्र उद्देश्य ये है कि इस टेस्ट के विषय में जागरूकता फैले, रोगी ठीक होने के बाद भी उसे कष्ट बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले माता जी, आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? नोएडा से। नोएडा से रहने वाले हैं। जिस समय गुरुकुल आए थे कितना ब्लड आता था इनको, आप बताएंगे? तब बीच नवंबर दिसंबर से 2-3 महीने आया था। 2-3 महीने दवा खाने के बाद आपका ब्लड बंद हो गया? हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे आए थे उस दिन से मेरा 8-10 दिन बाद ब्लड बिल्कुल बंद हो गया। तो जब 2 महीने के बाद बीटा कौन सा टेस्ट, एसजीजी टेस्ट कराया था? बीटा एसजीजी टेस्ट नॉर्मल आया था और 2.3 समथिंग कुछ मेरे का। तो जो एक टेस्ट आपने बाद में करवाया, उस टेस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी, एंडोमेट्रियम की थिकनेस जानने के लिए कि पहले जो भी थिकनेस थी जितने भी एमएम, क्या नाम है उस टेस्ट का? टीबीएस अल्ट्रासाउंड। अच्छा, तो वो उस टेस्ट को किस प्रकार से एग्जीक्यूट करते हैं? ये वो इंटरनल करते हैं, इंटरनल वजाइना के थ्रू वो करते हैं कुछ। हाँ, और बच्चादानी की थिकनेस, एंडोमेट्रियम की थिकनेस देखते हैं वो। तो उस टेस्ट से पहले क्या पोजीशन थी रोगी की और टेस्ट के बाद क्या हुआ? टेस्ट के पहले ये बिल्कुल स्वस्थ थी, आचार विचार बढ़िया थे, मतलब इट्स ऑल बहुत बढ़िया हो गई थी, मतलब एक तरीके से ना, तो लगता ही नहीं था कि कोई प्रॉब्लम है। तो हमने वो इस थिकनेस जानने के लिए टेस्ट कराया। टेस्ट के बाद क्या क्या समस्याएं आई? वो फिर से रिटर्न टू जीरो आ गई एक तरीके से, बहुत हैवी ब्लीडिंग भी हुई उनको, पेट में काफ़ी दर्द भी रहा है और बहुत परेशान रही हैं, क्या बोलते हैं, बहुत शरीर में टूटन भी काफ़ी आ गई, खाना भी छूट गया, मतलब समस्या पूर्ण रूप से, इवन मैं तो बोल रहा हूँ पहले से ज़्यादा समस्या आ गई थी उस टेस्ट के बाद। ठीक हुआ रोगी दोबारा से, फिर उसके बाद इसी दवाई को, जब समस्या ज़्यादा आ गई, परेशान ज़्यादा थी, तो दवाई इन्होंने कम कर दी, खाई भी नहीं कह सकते हो। फिर जब थोड़े रिलैक्स हुए तो दवाई फिर से स्टार्ट की, तो फिर से ना फिर से रिलैक्स हो गई हैं, अभी ब्लीडिंग कोई नहीं है, अभी ठीक है। तो बट हमें मतलब यही लगता है कि ये टेस्ट नहीं कराना चाहिए था। क्या नाम था उस टेस्ट का? टीबीएस अल्ट्रासाउंड। टीबीएस अल्ट्रासाउंड। और कितने चार्जेज होते हैं उस टेस्ट के? उसके मेरे ख्याल से 1500 या 2000 थे। 1500 या 2000। खैर, मैं इसमें एलोपैथी के विशेषज्ञों से मदद लेंगे, और भी हमारे मित्र बंधु हैं। तो वीडियो दिखाने का सिर्फ मात्र इतना सा उद्देश्य था कि रोगी ठीक हो गया, 2 महीने में रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई, और फर्दर जब उसको ये जो टीबीएस टेस्ट है, तो इसके माध्यम से बहुत सारी समस्याएं हुई। खैर, ये इन्हीं के केस में हुआ या सभी में होता है, ये तो एक रिसर्च का विषय है, इसके ऊपर फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर भी सभी रोगियों से प्रार्थना है, कोई भी टेस्ट करवाने से पहले एक बार गुरुकुल की टीम से ज़रूर सलाह ले लें, सो दैट कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको ना फेस करनी पड़े, और आगे से आप सभी इस बात का ध्यान रखना। तो माता जी, अब संतुष्ट हैं आप? हाँ, बिल्कुल खुश हैं। खुश है। माता जी के चेहरे की चमक भी बता रही है कि इन्होंने कैंसर जैसी भयानक बीमारी को हरा दिया है। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।